कराची की हालत का जिम्मेदार यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा जो मैं दिखाई नहीं दे रहा, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो कि जिंदा है, जो कि जिंदा है, और यहाँ बैठा हुआ है। और उसने, मैंने देखा, एक दो चिप्स भी खाए हैं। तीन दोस्तों को फोन किया, एक नागन पे था, उसने बोला यार घुटने तक पानी है, दूसरे को किया नॉर्थ में था, कहता कमर तक, तीसरे को फोन किया, फोन नहीं उठा रहा था, तो पानी के लेवल से मैं समझ गया ये अंडर वाटर है। ये अंडर वाटर। टाइटैनिक किस वजह से डूबा था रमीश भाई, उसके रीजन क्या था? सर आइसबर्ग आया था ना सामने, बर्फ से टकराया था। नहीं नहीं, गुनाह की वजह से डूबा था। कसरत गुनाह दौरान सफर कोई आप ऐसा काम ना करें कि आप वाजिबुल गुस्ल हो जाए। कपड़े धोने वाला जो सर्फ है उसका एड आता है कि तेज 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 ये हाथ चलाए। यार ये फ्रस्ट्रेशन नहीं तो शौक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं मेरा ये शो, और पिछला आपको शो बड़ा पसंद आया माशाल्लाह, लोगों ने तारीफ की, कमेंट्स की भरमार लग गई। जिन लोगों ने कमेंट्स किए जल्दी जल्दी मैं वसीम बदामी के अंदाज में उनका शुक्रिया अदा करता चलता हूँ। सबसे पहले जो हमें कमेंट किया है, मैं मतलब ये कि मैं इसमें मेरा मासूम आना तरीका, वकास हसन ने, उसामा तारिक ने, उर्वा होप ने, हिरा जी ने, हमजा जफ़र ने, हु इज़ उमर सिद्दीक, इन्होंने किया है। यूज़र 11 पता नहीं, खैर इनके 11 यूज़र हैं इसलिए नाम रखा है। अच्छा, माम आफ्ताब, उमर ज़ियाई, जावेद खानी, सुबहान अहमद, अब्दुल्ला खान, सना वजी, अशर और हमाद, और आखिर में ये कोई हैं भाई, दो बड़े मशहूर यूट्यूब चैनल हैं, उनके नाम मिला के इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया। बहरहाल टोन वापस लेके आते हैं जी। आज के दो मुद्दे बेसिक हम सामने रखेंगे, दो से तीन चीज़ों पर गुजरेंगे। कराची की ये जो हालत है, ये जो ये अभी तूफ़ानी बारिश हुई है, हम जानते हैं, अल्लाह जानता है, 4 बजे से पोछा लगा रहे हैं यहाँ पे कि फील अच्छी है, हमारे गेस्टों को अच्छा लगे। तो कराची की हालत ऐसी क्यों है, और पूरे मुल्क का जो निज़ाम तालीम है उसमें आज भी हमें GW बेसिक, फ्लॉपी डिस्क, ये सब क्यों पढ़ाया जाता है? पैनल में हमारे साथ हमेशा की तरह अव्वल नंबर पर आने वाले, और इनसे जितनी तमीज़ की बात कर लो, भाई की एक्सपर्टी और बात को ले जाते हैं गली में, मतलब इनका कुछ है, कुछ गली से ताल्लुक है। रमीश भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बोलना चाहिए मैं गीला हूँ? नहीं, मैं सूखा हूँ। कराची में जो हैं वो गीले हैं। और जी बीच वाले जो हमारे भाई थे वो बरसात की वजह से कहीं फंस गए, तो हमने इमरजेंसी में बुलाया, जिन्हें इनके माशाल्लाह वाले साहब शब्बीर राणा, मशहूर एक्टर कौन है जो उन्हें नहीं जानता, जो नहीं जानता तो फिर वो मीडिया को नहीं जानता। इस खुद लड़के के लाखों सब्सक्राइबर हैं, हज़ारों फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, और एक अपनी भाई की फ़ैन बेस है, अपना एक कॉन्टेंट है, ये जो कॉन्टेंट करता दूसरा कर ही नहीं सकता, मतलब उधर मार्जिन नहीं है ना कि ये किया तो काट लेगा, तो आप समझ गए होंगे। तो भाई मैंने एक फ़ोन किया, भाई आ गए, तो इज्जत मोहब्बत कद्दू कुछ भी नहीं, ये सिर्फ ये था कि नहीं जाऊंगा तो फिर कहीं मेरी क्लास हो जाएगी। अज़लान शाह सर कैसे? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है, खैरियत है। मगरमच्छ आए हैं कराची में, कंटेंट खुला हुआ है आपका? बिल्कुल सर, धड़ाधड़ एक मगरमच्छ पे बैठ के आप भी शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल। तो रमीश भाई कहाँ पे आना और कैसे शुरू करना है, निज़ाम तालीम पे कूदें, कराची पे कूदें, या जहाँ चाहे कूद जाएं, सब तो पानी पानी है, सारा आप पानी पानी। आपका कूदना चाह रहे सर, कराची की हालत का जिम्मेदार एक दो तीन गवर्नमेंट्स हैं या यहाँ के लोग हैं? कराची की हालत का जिम्मेदार यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा जो मैं दिखाई नहीं दे रहा, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो कि जिंदा है, जो कि जिंदा है, और यहाँ बैठा हुआ है, और उसने, मैंने देखा, एक दो चिप्स भी खाए हैं, खाता भी है वो, और वो पीते, ये जो कप है ये इनका नहीं है, उसी का है, पीता भी चार है। ऐसे थोड़ी कप रखे, तीन बंदे चार कप, पर वो बैठा 100% जिम्मेदार वही है। बिल्कुल 100%, 1000%, 1000%। अच्छा, सिर्फ 100 नहीं, 1000%। ये वो कोटे वोटे पे 73 का आइन और वहाँ सबसे आप कूदे और ये सारी चीजें। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, आप सिर्फ गर्दन हिला दें। हुक्मरान जिम्मेदार होता है, हुक्मरान तो हुकूमत भाई मुझे जी है भाई, मुझे मैं आपकी बात से थोड़ा सा एग्री करता हूँ, थोड़ा सा डिसएग्री कर जाता हूँ। डिसएग्री क्यों कर रहा हूँ, रीजन मैं बता दूंगा। मीनवाइल अजलान का इस पे ले लेते हैं भाई, आपका क्या इस पे स्टेक आप दे इनको, आपका ले लेते हैं, आपका इस पे क्या स्टेक है, रोल है, बर्गर है, क्या है? सर देखिये, मैं समझता हूँ कि आवाम जो है ना, लोग कहते हैं कि आवाम का फॉल्ट है कि वो कचरा कर रही है। सवाल ये, इतनी बड़ी आबादी है, गवर्नमेंट का काम है थोड़ा साफ सफाई रखे, चीजों को मोनेटाइज करे, लेकिन किया है किया सब्सक्राइबर्स भी आए हैं। पाकिस्तान में जहाँ जलजला या सैलाब आता है वहाँ के लोगों को कराची के आउटस्कर्ट्स में लाके आबाद कर दिया जाता है, 2 साल बोला जाता है ये कदीम बस्ती है, और कितना करें यार, मतलब मिनी पाकिस्तान। और वो GST नहीं देते,
टैक्स नहीं देते, पता नहीं है क्या? पता नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं उनको बता दो तो वो परेशान हो जाए बेचारे। और ये किस तरह के लोगों के साथ रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये कराची वाले मेट्रोपॉलिटन वाले मांगते हैं इसलिए कि कुछ एक आपका रिश्तेदार होता है जो पूरे खानदान में सबसे अमीर होता है, खानदान का सबसे अमीर नहीं, खानदान का सबसे बड़ा डोनर। मतलब किसी की भी शादी हो तो भाई मियाँ के पास चले जाएं, भाई मियाँ या तो जहेज करा देंगे या बोलेंगे करा देंगे, या खाना करा देंगे, या खाना या बोलेंगे पूरा वलीमा आप, मैं स्पॉन्सर। तो वो जो कर रहे हो फिर बाद में एंड में आके भाई मियाँ ही जलील, भाई मियाँ ही इतने इतने पानी में डूबे हुए। तीन दोस्तों को फोन किया, एक नागन पे था उसने बोला यार घुटने तक पानी है, दूसरे को किया नॉर्थ में था कहता कमर तक, तीसरे को फोन किया फोन नहीं उठा रहा था, तो पानी के लेवल से मैं समझ गया ये अंडर वाटर है। अच्छा मेरे साथ एक मसला ये हुआ, मेरा एक दोस्त रहता है नया नाजाबाद में, तो वो मुझे फोन कर रहा था जिस दिन बारिश हुई ना पहले दिन, सॉरी दूसरे दिन, तो मैंने उसका फोन इसलिए उठाया, मैंने कहा यार ये फोन करेगा और ये ताने देगा कि देखो तुम्हारा इलाका डूब गया और हम देखो कितना चल रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा बड़ा अच्छा बना हुआ वो। बाद में अगले दिन उस रात को उसने मुझे अपने वीडियोस मैसेज वगैरह भेजे, वो मुझे फोन कर रहा था, कह रहा था मैं फोन इसलिए कर रहा था कि मैं डूब रहा था कि बचा लूंगा, उसके घर के अंदर 5 फुट पानी है। आप और गाड़ी नहीं, मेरा सवाल ये, मैंने आपके ड्रामे देखे हैं सर, मैंने आपकी नाशपाती पे वीडियोस देखे हैं, डूबते हुए को आप कैसे बताएंगे? मैंने आपको बेवॉच में तो देखा ही नहीं। नहीं आपने नहीं देखा पर मैं कर लेता हूँ वैसा रेस्क्यू भी। अच्छा भी रेस्क्यू कर लेते, सांस दे लेता हूँ मैं लोगों को। अच्छा सीपीआर मरते हुए सीपीआर, नहीं इसको सीपीआर नहीं कहते, मुंह से मुंह लगा के जो सांस देते माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ, पाकिस्तान में सीपीआर नहीं कहते इसको, पाकिस्तान में सिर्फ ईसीजी को जानते हैं, सीपीआर को नहीं जानते। सर एक होती है, छोड़े ना, ये एक होती है, एक होती है, जब स्ट्रोक लगता है ना तो वो देखते हैं उसको। अच्छा सीरियसली बताऊं, मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये जो लोग हैं इनकी भी एक पार्शियल जिम्मेदारी आती है, सोसाइटी को वहां के रहने वाले ही साफ करेंगे, बल्दिया गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट या वफाक नहीं करेगा। जो बाजार है जो लाखों रुपए अरबों रुपए कमाए जाते हैं हर दुकान से, 100-100 रुपए भी लें तो भंगी को आप अगर 10,000 रुपए दे देंगे तो भाई वो खुद अच्छे, वो सफाई भी करेगा और अगले दिन से अच्छे कपड़े पहन के आएगा। एक सवाल का जवाब है कि मैं ऑफिशियल भंगी हूँ अभी। एक सवाल है, आप जो क्रेडिट डलवाते हैं फोन में 100 रुपए का, जी जी, उसमें से कितने पैसे कटते हैं? 25-27 सिर्फ फोन के क्रेडिट का, 27 रुपए दे दिए ना आपने, आप क्यों देंगे? तो उससे फोन किसने किया समझे नहीं, हम टैक्स दे रहे हैं भाई, सब दे रहे हैं टैक्स। अभी वो जो आउट टैक्स देने के बावजूद भी 100 रुपए देने भंगी को, क्यों देगा वो? बंदा नहीं ना वो, नहीं बात ना, लेकिन जिसकी जो जिम्मेदारी है, जिसकी जितनी जिम्मेदारी है उतनी और वो भंगी कचरा उठा के आगे जाके दूसरे नाले में फेंक दे। हाँ वो सेवरेज का निजाम बर्बाद कर देगा सर, इंडिविजुअली बदल लिया। हाँ। अब अंडर बाईपास में जो पानी खड़ा उसका क्या करना है? आपकी गाड़ी माया बाबा क्या मुंह से गुल्लियां खींच के इसके फेंकेंगे? बात क्या करें, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास नहीं। वो तो खैर पंजाब में कहते हैं ना उर्दू में, वो लफ्ज इतना मजा नहीं देता, उस पानी को चूपेंगे क्या? उर्दू में भी बड़ा अच्छा है, जैसे उमर भाई ने बोला था कि मैं अगर समंदर पीना तो ये बताएं रेत निकाल के पीऊं रेत के साथ, तो वो बताएं शॉपर के साथ पीना या बगैर शॉपर के, आप ये बताइए। ओलंपिक स्विमिंग पूल है सर, अपॉर्चुनिटीज हैं, लोग ग्रैब नहीं कर रहे हैं। तैरो बुलाओ ना, वो कौन है अमेरिका का, कौन था वो जिसने इतने गोल्ड मेडल जीते थे, तो उसको मैं बोलूं ये बोलूं भाई अंडरपास के अंदर से जरा गुजर के तो दिखा, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता सर, नीला शॉपर फंस जाएगा, नीला शॉपर फंस जाएगा नाक के अंदर, उसकी नाक के अंदर। अजान भाई आप बैठे माशाल्लाह जानवरों के हुकूक और जानवरों के ऊपर, आपकी जितनी कमांड है मेरे ख्याल से जानवरों की उन पर नहीं होगी। तो ये कराची में जो मगरमच्छ आए थे टोटली फेक बात थी, लेकिन फिर भी अफवाहें जो हैं वो पहुंची, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची की एक बड़ी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। तो आपने सिर्फ शुर्रा छोड़ना है, बाकी ये व्हाट्सएप वाले अंकल भी जो होते हैं ना फॉरवर्ड मैसेज वाले, ये उनकी भी कारस्तानी के सरजानी टाउन में भाई मगरमच्छ आ गए, बाहर नहीं निकलना। सर मंगो पीर जो पहाड़ी इलाका है वहाँ से मगरमच्छ का निकल के कराची में फैलना, इसके लिए कितना पानी ज़रूरी है और क्या ये मतलब रियलिटी में ये पॉसिबल है भी या नहीं? सर वैसे तो टेरिटरी के अंदर नहीं निकलेंगे, लेकिन आप खोल दें हब डैम, खोल दें 3-4 डैम आप खोल दें, पानी भर जाएगा, तैरते आ जाएंगे शहर में। मतलब 3-4 हब डैम का पानी जब कराची में आएगा तब कहीं गुलशन में हमें कोई मगरमच्छ मगरमच्छ तैरता हुआ नजर आए। अच्छा एक बात और समझ नहीं आती, वो जो अफवाहें फैला रहे होते हैं उनके पास इतना जहन नहीं होता, इतना दिमाग नहीं होता कि वो जो वीडियो है उसमें जो वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कोई और लैंग्वेज है। वो बिल्कुल गुजरात की एक वीडियो है। ओके वो गुजरात की वीडियो है जहाँ पे वो मगरमच्छ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो रोल भी कर रहे हैं, लेकिन उसको ऐसे बनाया कि देखो भाई ये सरजानी का इलाका है, तुम्हारे पीछे वाली गली है।
एक आप मतलब इतना बता मतलब वो रूमर्स फैलाने में इतना कंटेंट क्रिएटर कोई है कि उसने उसको इससे फौरन कनेक्ट किया कि यार ये मगरमच्छ की ये वीडियो और वहां मगरमच्छ और पानी आ गया। सर आप देखें, आप दिमाग ज़हीन आदमी हो, जबरदस्त आदमी है ना, ये इसका अपना कंटेंट है यार, आप रोक नहीं सकते उसको। आप हो गई होगी ना वो मेरे ख्याल से शेयर लाइक्स वाइक सब हो गए जो मंजन है वो। और आप बता रहे थे इंटीरियर सिंध का कोई एक एरिया जहाँ एक्चुअली में ये पानी इतना सांगण में हुआ है, सांगण में हुआ है, हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी कि अज़लान भाई यहाँ पे 3 मगरमच्छ खुल गए। अगर सांगण 5 घंटे की ड्राइव पे तो खैर दूसरी बात ये जो मंगो पीर में जो लोग कहते हैं कि बड़ा टेम मगरमच्छ, देखें मगरमच्छ जितना भी टेम हो जाए कितने भी साल रख लो, मगरमच्छ की स्नाउट के नीचे कुछ सेंसर्स टाइप के होते हैं, डॉट डॉट टाइप के होते हैं। नीचे सॉरी स्नाउट के नीचे, स्नाउट क्या, थूतनी, थूथन या आसान अल्फाज में खबर देंगे उसके पाउड के अंदर, उसके महफिल लूट ली भाई। तो अगर वहां उंगली भी लग जाए ना गलती से तो वो अचानक अपना जॉ लॉक करेगा, चाहे जितना भी टेम हो, वो उसकी नेचर में आप उसको नहीं बदल सकते। उसने जब जॉ लॉक किया तो फिर जो जॉ में है वो उसका है और जो बाहर है वो आपका है। उसने जॉ लॉक किया, देखें उसने वहां जॉ लॉक किया और यहां आपकी लॉक हो गई। साथ में अगर डेथ रोल दे दिया तो फिर आप गए। डेथ रोल से मुराद सर डेथ रोल जो पकड़ के पकड़ता है और यूं जो आप देखा सर यूं मगरमच्छ घूम रहा होता है ऐसे करके, नहीं इसमें मगरमच्छ पे मैं क्यों वो भी डेथ, इसमें मगरमच्छ पे क्यों जाऊँ, मैं खुद बता सकता हूँ मतलब ऐसे घूमने का एक तो ये डेथ रोल तो बड़ा खतरनाक होता है। इसके बाद तो फिर आप होता है आप काफी देर फिर साथ ही रहते हैं। मैं छोटे छोटे मेरे पास ये मीठे पानी के मगरमच्छ ये सब छोटे मोटे आए हुए नेवले शेवले ये इन सबको जानता हूँ, बड़े मगरमच्छ के सर आप दोनों को पता। अच्छा आपको पता है हमारे मुल्क में मगरमच्छ बच क्यों जाता है, क्यों बच जाता है, क्योंकि उसका ताल्लुक मर्दाना कमजोरी से कोई नहीं, वरना वो सब लड़के में उनका तेल भी करो मर जाए बचा हुआ है सिर्फ इस चक्कर में। अगर कोई ऐसी बात लीक आउट हो गई ना इससे कोई प्रॉब्लम हल हो जाती है, खत्म हो जाए मगरमच्छ। दो किस्म के मगरमच्छ का मेरा इत्तेफाक हुआ, एक मार्श क्रोकोडाइल, एक फैसल कुरैशी, एक हुमायूं। अच्छा सॉरी मैं सॉरी कहीं तुम ये बातें क्यों करते हो, तुम मेरी दिहाड़ी खराब कराओगे। एक मार्श क्रोकोडाइल और एक नाइल क्रोकोडाइल। नाइल क्रोकोडाइल दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल होता है, ठीक है, वो तकरीबन 14-15 फीट तक लंबा चला जाता है, आपने देखी होगी पिक्चर्स और वीडियोस। मार्श क्रोकोडाइल थोड़ा छोटा होता है और वो भी लेकिन काम ये बस मतलब छोटा शायद अग्रेसिव भी थोड़ा छोटा वाला नहीं अग्रेसिव दोनों पूरे होता है। हाँ तो ये नाइल वाला जो होता है इसका फिर जब ड्रामा आता है तो फिर यूट्यूब पे रेटिंग फट जाती है, और जो मार्श वाला ये बस छोटा टेलीफिल्म शोज ये वो। अच्छा ठीक है अच्छा, नहीं उधर इस पे आप दोनों कमेंट नहीं करें। मैं आपकी अपनी चल रही है। टाइटैनिक किस वजह से डूबा था रमीश भाई, उसका रीजन क्या था? सर आइसबर्ग आया था ना सामने, बर्फ से टकराया। नहीं नहीं गुनाह, गुनाह की वजह से डूबा था ना, कसरत गुनाह, कसरत गुनाह। दौरान सफर कोई आप ऐसा काम ना करें कि आप वाजिबुल गुस्ल हो जाए। और हो गया था भाई, हम भाई चला तो वो वैसे तो 3-4 पॉइंट से होता हुआ फिर वो अटलांटिक में गया था, और हमने तो 3 घंटे की फिल्म में देखा था। मैं बता रहा हूँ सही चलता रहा वो भाई, ऐसे ही अच्छा पहुंचा है वो उस पर गुजल फड़ दुआ है बस वही कफन में। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूँ, फिल्म में और देखने वाले दोनों पे गुसल वाजिब हो गया था, दोनों पे हो गया था। और तो उसके बाद में नहीं बचा ना फिर। हाँ यानी तो इसका लुबे लुआ ये कि गुनाहों की नहुसत से डूब गया टाइटैनिक। तो बहरहाल ये फ्रस्ट्रेशन किसी तरह से दूर नहीं हो रही, मतलब एक आपके पास इतना बड़ा यूट्यूब फेज है वकार जका का, मतलब वो एक फोन करते हैं तो पबजी खुल जाता है, बीगो लाइव बैन हुआ तो मतीरा ने फोन किया बीगो लाइव भी खुल गया, तो मतीरा की भी बड़ी होगी जान पहचान ऊपर तक होगी कोई किसी की मुलाकात होगी ऊपर तक, क्योंकि उसकी है ऊपर तक जान पहचान। आपकी मुलाकात है कोई? मेरी इत्तेफाक से नहीं। आपकी अज़लान भाई? सर मेरी एक दो दफा मुलाकात है। कहाँ पे? काफी पहले हुई थी, एक चैनल था वाइब के नाम से, उनके ऑफिस में जो है ना वो मेरी 2-3 मुलाकात हुई। तो ये निजी मुलाकात थी या शो था? नहीं नहीं वो शो कर रही थी और वैसे मिला था। क्या शो किया? मेरा ख्याल से उनका वो और बोला था ये लोगों को नहीं पता और ये नहीं, अंदर की वो नहीं, मैं वो था जिसने चमाट मारा था एक बंदे को।
अबे हाँ वो टैक्सी ड्राइवर को, हाँ सही बात, बहुत अच्छा। ये इन्होंने पता क्या कि इन्होंने धमकी दी है कि मैं अभी चमाट भी बेटा कफिल, वो जो राडे रखी हुई है ना वो भी जरा उनको सरसों का तेल लगा के रखो। तो हम कराची वाले और पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग फ्रस्ट्रेट बहुत हो गए इसी वजह से, जो हमारे इश्तिहार हैं उनमें भी वो फ्रस्ट्रेशन दिखती है। कपड़े धोने वाला जो सर्फ है उसका एड आता है कि तेज 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 ये हाथ चलाए, यार ये फ्रस्ट्रेशन नहीं तो शौक है। सर कपड़े धोने की बात हो रही है, जैसे अब हाथ धोने के बाद लाइफ बॉय ने निकाला है कि वो हाथ गीले करके हो जाओ स्टार्ट, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ये अच्छा ये एक बात बताइए, ये दोनों टैगलाइंस दिमाग में जैसी आती है, इससे पहले दो बराना लोग क्यों आप लोगों के दिमागों में खड़े हो? डिट्टो मेरा यही सवाल आपसे है कि जो ये टैगलाइन बना रहा है उसके जहन में दो नीम बराना लोग क्यों खड़े हैं? वो भी तो कर सकता है ना, वो भी तो सोचे जरा खुल के कि हाँ मैं कुछ अच्छे एड्स भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे भी बनते हैं, लेकिन ये बीच में कहीं एक क्रिएटिविटी के नाम पे जो है ये थोड़ा सा ये एना निकोल और पैमला ये सब मतलब देखिए ना इसको ऐसे नहीं कर रहे हैं, बाज दफा ये होता है आप कुछ काम कर रहे होते हैं और कोई घर का ही मौजूद शख्स आपको कहता हुआ चलाता है वो तेज हाथ चलाओ, तो आप कौन सा हाथ ले लेते हैं? बताएं, सोच पे डिपेंड करता है ना, आप इसका मतलब आप सोच ही करते हो, बच्चे बैठ के अगर कोई कमर्शियल देखे ना, चाय की पत्ती का कमर्शियल आया जी जी जी, टपाल दानेदार वो एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे, इसका मतलब बच्चे नहीं है, नहीं किसवीं सदी है, इसका मतलब वो बच्चे नहीं है वो बड़े बच्चे हैं भाई। बच्चों का एक्सपोजर बहुत अच्छा, बच्चों को पता है 20th century में सिर्फ दानेदार चाय नहीं होती है। बहरहाल मेरा कहने का ये था कि वसीम अख्तर साहब ने रिजाइन दे दिया और उन्होंने कहा है कि मैंने इतने लेटर्स लिखे PM को CM को, दो लेटर तो मैंने खुद अपने आप को लिख लिए लेकिन लानत है कोई जवाब नहीं दे रहा। नहीं इतने खतूत तो गालिब ने अपनी पेंशन के लिए लिखे थे जितने उन्होंने इस जमाने में CM को लिख दिया। भाई व्हाट्सएप है ये, मोबाइल फोन है, अजलान बैठा हुआ है, इनका ये है कि ये हैवानियात पे इनकी बहुत गहरी रिसर्च है। क्या मेयर का काम खतूत लिखना होता है अजलान भाई? सर मैं तो बस अच्छा अभी तक आप ठीक है, आप आके मुझे ना मिस कॉल दे देना भाई। एक जर्नल मतलब रमीश टोटली नॉन पॉलिटिकल बंदा है और ये एक आम कराची वाला है ना, तो क्या मेयर का काम खत लिखना होता है? नहीं बिल्कुल नहीं, वो कैसे उसका काम करना होता है। हाँ। मेयर वो वाहिद शख्स है, कैसे करूं मेरे पास पैसे नहीं, चले मैं उनके रीजंस आपको देता हूं, पूरी सब कुछ मैं कैसे करूं पैसे नहीं है मेरे और रो भी रहा है, उसने सस्ती एक्टिंग भी कर दी हमारे करियर पे, उसने हमें इर्दोगुल कम भारी पड़ा हुआ था जो कम वक्त था वो भी आ गया इस लीग में, हम क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे। सर वसीम अख्तर साहब नसीरुद्दीन शाह के लोकल आइक है, एक्टिंग नहीं लोकल आइक, पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे इख्तियार नहीं दिया हुआ और क्या कहते हैं मेरे पास वसाइल नहीं है, मेयर हूँ, दो डंपर एक एक्सवेटर मेरे पास है, इससे इनसे ज्यादा वसाइल तो ये सुराव गोट के किसी एक लोकल पठान भाई के पास होंगे। अब आप यही बात आ गई कि एक लोकल जो कॉन्ट्रेक्टर है उसके पास इतने ट्रक होते हैं और ये एक जो हुकूमती इदारा है पूरा जिसके पास सिर्फ दो ट्रक होंगे, अगले मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा सर ये है कि जो हम जिस मुल्क में रहते हैं रियासत पाकिस्तान में, इसमें जो हमारा सिलेबस है करिकुलम है जो चीजें पढ़ाई जाती है मैट्रिक तक इंटर तक, तो ये हमें क्या सिखाया जा रहा है? मतलब एक चेक कर लेते हैं ठीक है, हम अपनी उम्रें नहीं बताते हैं लेकिन मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आप हम तीनों में मैं सबसे बड़ा हूँ। सही, मैंने फ्लॉपी डिस्क के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्क ठीक है, आपको पता है फ्लॉपी डिस्क क्या? फ्लॉपी डिस्क हाँ, मैंने क्योंकि मैं मेरे हमने तो एक्सपीरियंस भी किया है, हमने तो इजाद नहीं किया, हमने तो यूज भी किया। नहीं एक्सपीरियंस तो आपको करवाई जाएगी ना, क्या हो गया मतलब किताब में थोड़ी वो चीजें संभाल के स्कूल में रखी नहीं है। अच्छा अभी है GW बेसिक ये सब चलता है, आज भी MS-DOS पढ़ाया जाता है। पैनल में सबसे यंग अजलान है, तो अजलान आपको पता है भाई फ्लॉपी डिस्क? सर बिल्कुल, फ्लॉपी डिस्क MS-DOS सारी चीजें, और आप माशाल्लाह यूट्यूबर हैं, कंटेंट बनाना, यूट्यूब की टैगिंग, क्रॉस शेयरिंग, पोस्टिंग, ये जितनी तो इसमें कितना काम आता है ये स्टोरेज और ये सब चीजें, ये की होती है ना DL है HTML, नहीं सर एक रुपए का काम नहीं आया, मैंने भी समझा मैंने पढ़ा क्यों था। नहीं तो आप GW बेसिक से स्टोरी अपलोड नहीं करते? GW बेसिक से कुछ होता है पर वो स्टोरी नहीं, तो आप मतलब अपनी स्टोरी का पहले फ्लो चार्ट भी नहीं निकालते, वो एक अंडा स्क्वायर ट्रायंगल ये सब और वो शुरू चकोर से ही होगा, चकोर से नहीं सर। नहीं अच्छा अच्छा, तो ये कंप्यूटर पढ़ा है हम सबने, कंप्यूटर वक्त का जिया हो गया हमारे साथ, हो गया सर।
जो उर्दू का ये सवाल आता है, ये बहुत बड़ा गहरा सवाल है, हम सब इससे गुजरे और आने वाली हमारी कुछ नस्लों को अनफॉर्चुनेटली गुजरना पड़ेगा। कि एक शेर लिखा है और वो है कि अपना पंख नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। इस शेर का मतलब बयान करें, मरकजी ख्याल और इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है। क्या मेरा नाम मीर तकी मीर अजलान क्या आपका है? जिसने लिखा है उससे पूछ क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, वो भी उस वक्त सीरियस नहीं था, तमरी के मूड में था, उसको जो लफाजी समझो वो पेल के निकल गया। ये क्या सवाल है कि इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है? सवाल ये होना चाहिए कि इस शेर को पढ़ के आपने क्या अखज किया, आपका नजरिया क्या है? अच्छा, दूसरी चीज है कि पोएट्री बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट भी तो होती है भाई। शायर ने किसी हवा में लिखी, पढ़ने वाले ने किसी हवा में ली। अब ये किस हवा में पूछ रहे हमें क्या पता, ये तो हमारी हवा खराब कर दी और हमने अपनी हवा में एक दिन बोला गलत है। 20 साल पहले जो उर्दू की किताब थी ना जी, वो बदकिस्मती से अभी भी उर्दू की किताब होगी। जी जी, इसी वजह से आपका एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो बहुत सारे मामला इस सब के बावजूद आप इतने अच्छे ब्रेन्स निकाल देते हैं, ये समझ लें ये टैलेंट है। यही हाँ। तो अजलान, आप शो में हिस्सा रहे और आपने बड़ा इनपुट दिया ही नहीं है, तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। मैं एंजॉय कर रहा था सर, आप की बात है। आप एज अ कॉमन मैन, एज अ कराचीआइट, क्या किया जाए कि कराची रहने लायक हो जाए, इंसानों के रहने लायक? दो चीजें मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए। एक, सिक्योरिटी दे दी जाए, ठीक है, क्योंकि बाहर निकलते मुझे डर ना लगे कि मेरा कोई फोन छीन लेगा। आपको लगता है सिक्योरिटी नहीं है? सर मुझे नहीं लगता। ये सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहे हैं भाई जान, ठीक है, दूसरी बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी, मैं सिक्योर फील नहीं करता। अग्रीड, कुछ पुरानी वजूहात की वजह से, ठीक है। एक सिक्योरिटी दे दी जाए, दूसरा सड़कें थोड़ी सी मुनासिब कर दी जाए, ताकि फैमिली भी बाहर निकले तो सिक्योरिटी हो, मुझे पता है मेरी फैमिली सिक्योर है, और मुझे ये डर ना हो कि मेरी फैमिली किसी खड्डे में जाकर डूब जाएगी। तो दो चीजें मेरी रिक्वायरमेंट है एज अ कॉमन मैन, दैट्स इट। तो इसके बाद कराची रहने लायक हो जाएगा? रहने लायक, दूसरा दुबई है सर, फिर दूसरा दुबई नहीं हो सकता। अबू दुबई नहीं, आवाज सुनने में आती है कि हो सकता है यूट्यूब भी बैन हो जाए, फिर बंदा कहाँ जाएगा? हम तीनों ऐसे ही बैठे होंगे, कुछ रेशमीन से कपड़े पहन के, कुछ थोड़ी सी अदाएं अलग होंगी, कुछ केले लेके, कुछ संतरे लेके, कुछ केले संतरे वगैरह, संतरों की अच्छी व्यूअरशिप है, हम रख लेंगे, लगवा दूंगी। मैंने कभी देखा नहीं है कराची में, तो संतरों का नहीं लगवा सकते। आपने कभी नहीं देखा? नहीं, सबसे पहले तो आपको नियत करनी पड़ेगी कि आपको इस शहर को वो देना है जो जिसका ये हक रखता है, डिजर्व करता है, डिजर्व करता है, बस ये बात है। इसमें कोई छोटी बात नहीं कि इसके लिए या उसके लिए या फलानी जबान, नहीं नहीं, इंसान जो है जो यहाँ रहते हैं उनकी क्या क्या जरूरियात हैं, जो बेसिक जरूरियात हैं वो आप दे दें। बाकी इस शहर के लोग इतने इतने बेहतर हैं कि वो फिर आगे खुद ही कंटिन्यू कर लेंगे, ये मैं आपको मेजॉरिटी बोल रहा हूँ, और मेजॉरिटी 60% के बाद मेजॉरिटी हो जाती है। 60% तो 60% आवाम ऐसी, 40% ऐसी भी है कि जो बाइक पे चलते चलते बगैर पीछे देखे धूप दे दिया, ऐसा नहीं है कि वो 60% पे मेजॉरिटी होती है, 40 नंबर पे हम पास हो जाते हैं। हम नंबर गेम में कब तक फंसे रहेंगे? नंबर गेम का तो गेम है वो, 17% इलेक्शन टर्नआउट होता है, हुकूमत बन जाती है, थोड़ा सा आप समंदर के उस पार जाते हैं न्यूजीलैंड, जहाँ 98% टर्नआउट होता है तो री इलेक्शन होता है 100%। एक आदमी उसका ओपिनियन चाहिए, अदरवाइज ये माना नहीं जाएगा। 17% पे तो आप उसे बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी, और उसमें भी वो आपका जो है ज्यादातर जो वो मतलब वो डिपेंड जो करता है वो रूरल एरिया पे करता है, अर्बन एरिया पे नहीं करता, क्योंकि मेजॉरिटी रूरल एरिया, और रूरल एरिया का ये हालात है कि वहाँ तालीम है ही। तो बस उनको तो समझ आता है, वहाँ तो यही है ना, वहाँ ये भाई बैठा है, कैसा भाई? तो ये बताइए, बुरा मान रहा है इन बातों का? आपको बनाना है स्किल्ड लेबर, लेबर ही रहोगे लेकिन स्किल्ड। देखो, आप उर्दू में की किताबों में, इस्लामियात की किताबों में सारे वो वाकयात और चीजें पढ़ते हो जिसमें जबर है, गुस्सा है, और ये फतह हुआ और यहाँ लश्कर ये था वो था वो था,
उन्हीं तमाम हस्तियों के बहुत ही नरम दिली वाले भी वाकयात हैं जिससे एक अच्छे इंसान की अच्छे माशरे की तशकील हो सकती है। तो मादरी जबान उनके सोशल एस्पेक्ट हैं, हाँ, सोशल उनके पॉलिटिकल एस्पेक्ट हैं, उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट हैं, हाँ, और उनके फिर फाइटिंग एस्पेक्ट भी हमें हमारे यहाँ बिकता ज़रा फाइटिंग लगता है क्योंकि गाढ़ा क्योंकि वो है आसान होता है एग्रेसिव है। तो मादरी जबान में आपको एग्रेशन सिखाया जा रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपसे रट्टे लगवाए जा रहे हैं, इंग्लिश पे पूरा ध्यान है, तो टेक्निकली आपको स्किल्ड लेबर बनाया जा रहा है कि ये बोल सही सके और ये लेटर कल को मेयर बने यार वो खुदा को मानो कल और खत लिखे तो ये सारा सीन है सर। ये सवाल है कि जो आपने जो शेर पाला है तो वो सिर्फ उसी शेर का प्रेशर आप हैंडल कर लेते हैं या कोई अननोन शेर भी आ जाए तो उसको भी आप वो आपके लिए नजर में इतना ईजी होता है? देखिए मैं समझता हूँ कि जानवर कोई भी हो कभी भी हो उसमें उंगली नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मगरमच्छ हो चाहे वो शेर हो। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, जानवर हो इंसान हो किसी को भी उंगली नहीं करनी चाहिए क्योंकि इंसान के भी कुछ वो लगे होते हैं सेंसर, जैसे मगरमच्छ के होते हैं ना कि वो लॉक कर लेता है, पेड़ छोड़ता नहीं है, इसलिए तो कभी नहीं ये नहीं करना चाहिए, उंगल नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, अगर आपने सीखा हुआ है तो आप उसके केज में जा सकते हो उसको देखने के लिए, वो करने के लिए, अदरवाइज नेवर, कभी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। हो सकता है अक्सर लोग बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि हम आपसे इंस्पायर होके हमें भी शेर के पास जाना है। हाँ 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 बेटा क्यों जाना है, तुझे अंदाजा नहीं हो क्या कर सकता है। इस फैसले में उसके घर वाले उसके साथ नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ पापा अलादीन नहीं नहीं एक एक साजिश यहूदी भी हो सकती है कि उसे घर वाले चाह रहे हो कि चला जाए और मिल ले शेर से। नहीं देखिए ना, बच्चा आपसे तीन नन्नी फरमाइशें करेगा ना, पापा पिज्जा खाना है ठीक है, अजलान भाई के ऑर्डर किया मंगा लिया, पापा सफारी पार्क जाना है ले गए, पापा मुझे शेर देखना है, पापा खुद बोलेंगे ये किसका बच्चा है, किसका बच्चा है ये, किसका, हाँ ये वो है, फिर किस है, डैश है, फिर का बच्चा है ये, कि निकालो उसको इधर से, क्योंकि बाप जो है वो डुएबल चीज़ें करता है ना, जो किया जा सकता है। वो मोहब्बत वाली कहानियाँ तो गई ना, चांद ताड़े आसमान ये सब तोड़ के लेके आ जाऊँगा, आप तारा छोड़ें आप यार, आप किसी का मशहूर नाड़ा तोड़ के नहीं ला सकते आप उस जमाने। और ये जो नाड़े का फैशन है कराची में ये भी बड़ा है सर, अभी हम सराइकी पे बात कर रहे थे सर, ये पार्ट ऑफ वार्डरोब है ये, कुछ स्टाइल कुछ कुछ क्या बोलते हैं स्टाइल, कुछ क्या कुछ मुझे वर्ड नहीं मिल रहा, गुड अंडर गारमेंट्स आर द फाउंडेशन ऑफ एन एक्सलेंट वार्डरोब। तो सराइकी इसको फॉलो करते हैं सर, कढ़ाई के काम वाले नाड़े आपने देखे सर, शीशे वाले देखे, अगले वाले शो में पब्लिक को भी दिखाएंगे। रमीज थैंक यू सो मच यार, आपने टाइम दिया, तबीयत खराब थी आप आए फिर भी, बहुत शुक्रिया, जल्द से मशहूर हूँ आपका। अजलान भाई, अजलान ने शो पसंद किया और अजलान ने खुद फरमाइश की थी कि आना है सर, तो मेरी खुद की फरमाइश थी और इनका जो मैंने इंट्रो देखा था, मैंने कहा था आतिफ भाई आपका जो मेरा ये शो है बहुत जबरदस्त है, बहुत आला है, मैं चाहूंगा कि मैं इस पे आऊं और आपका कंटेंट, दादी अम्मा सारे कैरेक्टर्स आपके बहुत जबरदस्त है, ऐसे कंसिस्टेंट रहे एंड यस सपोर्ट कर रहे हैं, मैं लिंक भी शेयर करूंगा, सपोर्ट कर रहे हैं, रुला रहे नहीं मेरे खिलाफ केस जा चुका है सर, बस किसी भी दिन सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। बहरहाल इंशाल्लाह जिंदगी रही और इसी तरह की कुछ और मज़े मज़े की लोकल सोशल हाफ पॉलिटिकल फुल पॉलिटिकल बातें लेके मेरा ये शो में दोबारा हाजिर होंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा किस टॉपिक पे मैं रमीज़ या आने वाले हमारे गेस्ट बात करें, वो भी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।